नमस्कार, आइए बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज पूरे उत्तर प्रदेश से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बता दें कि मोदी की रैली में बड़ी साजिश, वहीं योगी को फंसाने की चाल, साथ यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कई बड़ी खबरों की जानकारी देंगे। खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने को रची बड़ी साजिश, तोड़फोड़ का वीडियो किया वायरल। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर रैली के दौरान बवाल कराने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। इस साजिश का पर्दाफाश यूपी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर किया है। पीएम मोदी की रैली में हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगा है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एक गाड़ी भी बरामद की गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेठी में दलित बालिका की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रियंका की सरकार को चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दलित बालिका की पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पे निशाना साधा है। उन्होंने बच्ची को निर्ममता से पीटने की घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि प्रियंका के इस ट्वीट के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी और सीएम योगी पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे यूपी के विधायक असलम चौधरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की आठ शुरू होते ही आपत्तिजनक बयानों और टिप्पणियों का दौर भी तेज हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी और बयानबाजी के चलते धौलाना के विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी पे आपत्तिजनक टिप्पणी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर रालोद की संभावित प्रत्याशी के कार्यालय पर की गई। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। मालेगांव धमाके में योगी का नाम लेने का था दबाव। गवाह के नए दावे के बाद बोले यूपी के सीएम, कांग्रेस ने देश के खिलाफ किया अपराध। जी हां, आपको बता दें कि मालेगांव धमाके मामले में एक गवाह ने अदालत में दावा किया कि आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS ने उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के चार नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। गवाह के इस दावे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बरसते हुए इसे देश के खिलाफ अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि 2008 में हुए इस धमाके के दौरान देश में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA की सरकार थी। अच्छा, अगली बड़ी खबर, कोविड टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण करा सकेंगे किशोर। दरअसल आपको बताने की 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उन्हें कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, इस संबंध में अभी शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, लेकिन उन्हें कोवैक्सीन की डोज लगाए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। उन्हें 3 जनवरी से टीका लगाया जाएगा। इसके लिए वे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। बिना पंजीकरण के बूथों पर पहुंचने वाले किशोरों को भी टीका लगाया जाएगा, लेकिन वहां उन्हें पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी करानी होंगी। दोस्तों, आपने वैक्सीन लगवाया या नहीं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने 2000 बढ़ाई रसोइयों अनुदेशकों की सैलरी, साल में 2.5 और 5 लाख का बीमा कवर का भी ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों और अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी। आज लखनऊ में आयोजित रसोइयों और अनुदेशकों के सम्मेलन में उनके लिए बढ़े हुए मानदेय का ऐलान किया। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाया गया है, जबकि रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रसोइयों को साल में 2 साड़ियां भी मिलेंगी। इसके अलावा हर रसोइयों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने कहा, जितने भी रसोइयां हैं उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 2 साड़ी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव की तैयारी, आयोग की मंडल व जिला स्तरीय अफसरों संग बैठक, तैयारियों की समीक्षा जारी। जी हां, आपको बता दें कि यूपी चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी 3 दिवसीय यूपी दौरे पे हैं। इस दौरे पर मंगलवार को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद आज
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे मंडल व जिला स्तरीय अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अफसरों से चुनाव की तैयारियों के बारे में बात की गई। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमानित मतदाताओं की संख्या, मध्य स्थल व मतदान केंद्रों की संख्या, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर तैयारियों की स्थिति और संवेदनशीलता के बारे में जानकारी हासिल की। लेते अगली बड़ी खबर, इत्र कारोबारी मामला। DGGI ने 177 करोड़ की नकदी को माना टर्नओवर, पेनाल्टी देकर ही छूट सकता है पीयूष जैन। दरअसल आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुर स्थित आवास से मिले 177 करोड़ रुपए की नकदी को DGGI यानी महानिदेशालय GST इंटेलिजेंस अहमदाबाद ने टर्नओवर की रकम माना है, यानी उनकी कमाई की रकम है। DGGI की ओर से कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि जानबूझकर या अनजाने में अफसरों ने केस को कमजोर कर दिया है। ऐसे में पीयूष सिर्फ पेनाल्टी की रकम अदा कर जमानत हासिल कर सकता है, इससे आयकर विभाग भी काली कमाई मामले में कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मंडियों में खुलेंगे पेट्रोल पंप, बाहरियों को भी मिलेंगी दुकानें। मुख्यमंत्री ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडियों की आय बढ़ाने व किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडी परिषद के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंडी परिषद बोर्ड की बैठक हुई। इसमें मंडियों की आय बढ़ाने के साथ मंडियों के अप्रयुक्त भूमि पर पेट्रोलियम कंपनियों, CNG कंपनियों को पेट्रोल पंप या CNG पंप खोलने के प्रस्ताव मंजूरी दी गई। पहले चरण में 30 मंडियों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इससे भूमि का स्वामित्व भी नहीं बदलेगा क्योंकि लीज पर देंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने छात्राओं और महिलाओं के लिए किए 3 भयंकर ऐलान। जी हां, आपको बताने की बड़ी खुशखबरी है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध ही रहे हैं। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है, धरना प्रदर्शन भी खूब हो रहे हैं। अब कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को कई तरह की सौगात देंगे, जिसमें महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को आय वर्ग के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं की प्रत्येक छात्रा को स्मार्टफोन दिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वाराणसी में कूड़े कचरे से बनेगा कोयला, NTPC लगाएगा देश का पहला प्लांट। नए साल में PM मोदी करेंगे शिलान्यास। जी हां, आपको बता दें कि पुरातन काया के साथ आधुनिक विकास में मॉडल बन रही काशी अब देश को कचरे से कोयला बनाना सिखाएगी। NTPC के सहयोग से नगर निगम रमना में प्रतिदिन 200 टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला प्लांट लगाने की तैयारी में है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जनवरी के प्रस्तावित काशी दौरे में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। करीब 25 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट में निकलने वाले अवशेष को भी निस्तारित करने की वैज्ञानिक व्यवस्था होगी। दोस्तों, फैसला सही या नहीं कमेंट जरूर करें, और रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।